ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। बॉलीवुड के अमेजिंग विलन्स एंटागनिस्ट होता क्या है? अपनी जिंदगी को इस तरह जियो की दोबारा मौका ही ना मिले, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो वो आपकी आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरा सा भी मौका नहीं देती। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ भला, क्योंकि मैं सच ही तो कह रही हूँ। अक्सर लोग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी यही सोचने में बिता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत, सोसाइटी क्या सोचेगी। और इसी के बाद जब लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, तब तक बहुत देर हो जाती है। और कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी चीज को एक और इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए आ रही है फिल्म धूम 4। जी हाँ दोस्तों, फिल्म धूम 4 धूम सीरीज की चौथी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में हमें कई बड़े स्टार्स देखने की उम्मीद है। ये फिल्म साल 2022 के अंत तक नजर आएगी, जो कि हमें आशा है ये दिसंबर में दिख सकती है हमें बड़े पर्दे पर। ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ किंग खान और अजय देवगन भी होने वाले हैं। फिल्म में एक फीमेल विलन होने वाला है और वो फीमेल विलन और कोई नहीं, अतरंगी रणवीर सिंह की सतरंगी बीवी दीपिका पादुकोण होने वाली हैं। आपको बता दें कि विलन्स का क्या रोल होता है। विलन जो होते हैं वो एंटागनिस्ट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट वो होते हैं जिनके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड होती है, और एंटागनिस्ट वो होते हैं जो प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट होते हैं। अक्सर प्रोटैगनिस्ट पॉजिटिव रोल में होता है और एंटागनिस्ट नेगेटिव रोल में, लेकिन कई फिल्मों में उल्टा भी हो जाता है। बॉलीवुड के कई बड़े विलन्स में से अगर हम आपको कहें तो आपको सबसे पहला नाम याद आएगा शोले के गब्बर सिंह का और मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो का भी। ये थे बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट विलन्स। और अब देखना ये है कि क्या धूम 4 में दीपिका पादुकोण इन विलन्स के लेवल को टक्कर दे पाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।